नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका डॉक्टर और आपके साथ मैं हूं कायनत अंसारी। डॉक्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किसी भी मरीज को स्थिर करने में। जब आप स्वास्थ्य से संबंधित किसी समस्या का सामना कर रहे हो तो आप हमेशा सबसे अच्छी चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त करना चाहते हैं। ये वो क्षण होता है जब किसी को सबसे अच्छी देखभाल और उपचार की जरूरत होती है। गहन चिकित्सा जानलेवा चोटों और बीमारियों से ग्रसित लोगों की सहायता करती है। ये सर्जरी दुर्घटनाओं, संक्रमणों और गंभीर श्वास रोगों से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को ठीक करने में सहायता कर सकती है। इसमें विशेष रूप से प्रशिक्षित चिकित्सक की एक टीम रोगी के ऊपर निरंतर ध्यान रखती है। गहन चिकित्सा अक्सर गहन चिकित्सा इकाई आईसीयू या ट्रॉमा सेंटर में होती है। रोगी की चिकित्सा स्थिति का आकलन करना और रोगी की जांच के बाद महत्वपूर्ण देखभाल एक विशेषज्ञ करता है। मूल रूप से ये विशेषज्ञ की जिम्मेदारी होती है कि वो रोगी को जल्द से जल्द स्थिर करे, जीवन रक्षक उपकरणों को लागू करे और इलाज करे। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करेंगे गहन चिकित्सा से जुड़े इसी क्षेत्र पर और बात करेंगे क्रिटिकल केयर फिजिशियन से कि किस तरह से वो ऐसे स्थितियों में डील करते हैं, रोगी किस तरह से जो है अपनी स्थिति को उन्हें बताता है और कैसे वो उस दौरान उपचार की व्यवस्था को अपनाते हैं। तो आज आपका डॉक्टर में हम बात करने वाले हैं क्रिटिकल केयर फिजिशियन डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी से और जानेंगे कि एक क्रिटिकल केयर फिजिशियन कैसे एक रोगी की मदद करता है। तो नंबर आपके सामने हम दिखा रहे हैं, ये नंबर इसलिए ताकि आप भी हमारे साथ जुड़ जाएं और इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल आपके मन में हो, कोई चिंता हो, किसी भी तरह की जानकारी आप हासिल करना चाहते हो तो इन नंबर पर कॉल करके आप सीधे हमसे संपर्क साध सकते हैं और आपकी सवालों का जवाब देंगे विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी जो कि क्रिटिकल केयर फिजिशियन है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं क्रिटिकल केयर विशेषज्ञ डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे कि ये जो क्षेत्र है ये क्षेत्र को हम समझना चाहेंगे पहले तो आपसे कि क्रिटिकल केयर जो है वो आखिर होती क्या है, इससे जुड़ी हुई चुनौतियां जो हैं वो क्या है। मैम बिल्कुल सही प्रश्न है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली आजकल हर जगह आईसीयू बन गए हैं। पहले जो भी बहुत क्रिटिकल पेशेंट्स आते थे वो अक्सर उनकी जान चली जाती थी इलाज के उपरांत, या बहुत बड़ी बड़ी सिटीज में हमें ये अस्पताल मिला करते थे जहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल होती थी। इसमें कोई भी पॉलीट्रॉमा का पेशेंट आए, कार्डियक पेशेंट आए, न्यूरो पेशेंट आए, तो जो भी पेशेंट आते हैं जिनकी स्थिति बहुत खराब होती है, मृत्यु के बहुत करीब होते हैं, ऐसे पेशेंट को क्रिटिकल केयर पेशेंट, क्रिटिकल पेशेंट्स कहते हैं। इन्हें आईसीयू में ट्रीट करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं। नाम ही इंटेंसिव है, मतलब पहुंचते ही आपको अगले घंटे से 3 घंटे के अंदर लगभग सब बीमारियों को आप डायग्नोज करके सेटलमेंट शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये गोल्डन आवर कहते हैं। बिकॉज इफ वंस गोल्डन आवर इज लॉस्ट तो पेशेंट का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बहुत प्रोटोकोलाइज ट्रीटमेंट है, डेडिकेटेड टीम चाहिए होती है, एक अप्रोच चाहिए होती है कि किसी भी फील्ड का कोई भी पेशेंट आए जिससे किसी भी बॉडी ऑर्गन से रिलेटेड इश्यूज हैं और उसको डायग्नोज करके अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट देना है, इंटेंसिव केयर की एक ड्यूटी है। एंड इट हैज डेवलप्ड इन लास्ट 3 डेकेड, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। तो एक इंडिविजुअल अप्रोच से एक कंबाइंड अप्रोच हो गए, बिकॉज मोस्टली पेशेंट्स मल्टी ऑर्गन फेलियर में आते हैं आजकल। सेप्सिस इज अ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ, हमें मालूम है। क्रॉनिक डिजीजेस, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इनके लिए लोग रेगुलर ओपीडीज में जाते हैं, फिजिशियंस को दिखाते हैं, सर्जन को दिखाते हैं। बट जब इन बीमारियों से ऑर्गन्स लगभग डैमेज होने लगता है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की रिक्वायरमेंट होती है, तो उन्हें एक ऐसे सेटअप में और ऐसे हॉस्पिटल के एरिया में जाना होता है जहाँ पे एवरी पार्ट इज टेकन केयर ऑफ, दैट इज प्रोवाइडेड बाई क्रिटिकल केयर। और इस क्षेत्र से जुड़ी हुई चुनौतियां क्या रहती है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि अलग अलग विभाग होते हैं अलग अलग तरह की बीमारियों के लिए, रोगियों के लिए, लेकिन जब कोई पेशेंट इस तरह की स्थिति में आपके पास आता है तो मैं आपसे ये भी जानना चाह रही थी कि एक जो फिजिशियन है क्रिटिकल केयर का, क्या उसकी एक्सपर्टीज भी हर एक क्षेत्र में होती है या फिर वो भी किसी खास क्षेत्र में जो है वो एक्सपर्ट होते हैं। हाँ बिल्कुल सही बात है मैम। देखिए क्रिटिकल केयर फिजिशियंस
मेडिसिन, एनेस्थीशिया, रेस्पिरेटरी सारी ब्रांचेस से होते हैं मैम. इन सारी ब्रांचेस के जो लोग हैं वो अपनी एक्सपर्टाइज समय के साथ डेवलप करते हैं क्रिटिकल केयर में. अब पर्टिकुलर कोर्सेज होते हैं क्रिटिकल केयर के, तो दे हैव डेवलप कि किस तरीके से एक अप्रोच से काम करना है. एक भ्रांति है क्रिटिकल केयर में वेंटिलेटर जी. जैसे ही मरीज वेंटिलेटर पे जाता है वैसे ही लोगों को लगता है कि अब हमारा मरीज नहीं बचेगा जी. वेंटिलेटर पे चला गया है तो मरीज, कई बार हम सुनते हैं कि मरीज मरा हुआ, मरीज वेंटिलेटर, लेकिन ये सब गलत है. वेंटिलेटर इज लाइक, जैसे डायलिसिस हम देते हैं एक पेशेंट जिसको किडनी फेलियर हो गया है, उसी तरीके से वेंटिलेटर भी है जैसे उसको रेस्पिरेटरी फेलियर है. और अक्सर चाहे वो हार्ट फेलियर हो, चाहे रेस्पिरेटरी फेलियर हो, चाहे किडनी फेलियर, उसको हमको रेस्पिरेटरी सपोर्ट देना पड़ता है जी. तो वेंटिलेटर्स आर अ पार्ट. चलिए बिल्कुल डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि वेंटिलेटर का नाम सुनते ही जो है लोग सत्ते में आ जाते हैं, डर उनका बढ़ जाता है, तो ये प्रक्रिया जो है वो क्या होती है, कब शुरू होती है, इस पर हम बात करेंगे. लेकिन एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, हमीर सिंह राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हैं. स्वागत है आपका हमीर जी, बताएं राजस्थान में कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है. हेलो जी. हेलो जी हमीर जी, हम सुन पा रहे हैं आपको. हाँ बोलिए, कहिए कहाँ से बात कर रहे हैं और क्या सवाल है. हाँ दौसा से बोल रहा हूँ मैं, राजस्थान जी. कहिए क्या पूछना चाहते हैं. मेरी बच्ची क्या है तो बचपन में गिर गई थी पलंग से जी. हेलो जी जी, हम सुन पा रहे हैं, कहिए आप अपनी बात रखिए. हाँ, मेरी बच्ची बचपन में पलंग से गिर गई थी, तो उसका हाथ कोहनी के पास से वो हाथ को सीधा करती नहीं, आदत सी पड़ गई. कितना टाइम हो गया है इस घटना को. घटना को तो हो गया कम से कम 15 साल करीब. 15 साल हो गए हैं. और अभी अभी क्या प्रॉब्लम आ रही है आपकी बेटी के साथ. नहीं, वो हाथ सीधा नहीं रखती, बस नीचे ही हाथ सीधा नहीं रखती, पास से ही मोड़ के ऊपर रखती बस यूं. कोई दर्द भी होता है, किसी तरह की परेशानी होती है हाथ सीधा करने में. वो नशे वगैरह जाम हो गई क्या, तो डॉक्टर साहब से राय थी. चलिए डॉक्टर साहब ज्यादा और बेहतर बता सकेंगे जी. डॉक्टर नमस्कार जी, कैसे हैं जी. हमीर जी, आप डॉक्टर साहब से बात कर रहे हैं, वो आपके सवाल का जवाब देंगे जी. डॉक्टर साहब नमस्ते. मैं डॉक्टर आदित्य. हाँ, मेरी बच्ची 4-5 साल की थी जब गिर गई थी जी. मैंने सुना आपका प्रश्न, वो जो उनका हाथ, वो जो हाथ नहीं उठता है या जो फिक्स रहता है. हाँ नहीं, हाथ सीधा नहीं करती, वो कोहनी के वहां से मोड़ के रखती है. बिल्कुल, एक तो उसका एक्सरे कराना होगा आपको, जिससे मालूम पड़े. मैंने मैंने पेशेंट को बताया था दुर्लभ जी ने जी जी. हाँ, तो उसने कहा है सर में कोई मामूली से स्पॉट्स वगैरह आया है. हाँ, वो फाइब्रोसिस हो जाती है रेगुलर फिजियोथेरेपी से, क्योंकि बच्ची है तो अभी मूवमेंट से चीजें रिजॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज में होती है. तो उसकी
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका और बात हो रही है क्रिटिकल केयर फिजिशियन के काम से जुड़े चैलेंजेस को लेकर के और किस तरह का ये काम होता है इस पर। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ एक दर्शक जुड़े थे जिन्होंने सवाल किया था डॉक्टर से, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्रिटिकल केयर फिजिशियन डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी आप उस सवाल का जवाब दें। उन्होंने पूछा था कि पिछले 3 महीने से उनकी चाची जो हैं ICU में एडमिट हैं, सिर में कोई गंभीर चोट लगी थी लेकिन अभी तक जो है वो ठीक नहीं हो पाई। रामचंद्र जी नमस्कार। नहीं अभी हमारे साथ वो नहीं जुड़े हैं। अच्छा, क्योंकि जी वो उनसे दो चीजें पूछनी होंगी कि उनको सर में चोट लगी थी कि कोई ऑपरेटिव कंडीशन थी कि वो बेहोश की स्थिति में थी। दूसरा, वो वेंटिलेटर पे है या नॉन वेंटिलेटर पे है। पहले से कितना सुधार आया है, मरीज को अभी तक होश आया है या नहीं आया है। ठीक है रामचंद्र जी, अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो कृपया इन सवालों को जो है वो क्लियर करें, इनका जवाब दें, दोबारा हमसे संपर्क साधें। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये जो फिजिशियन होते हैं कब इनकी ज़रूरत जो है किन हालात में पड़ती है और क्या सभी प्रकार के मरीजों के लिए ये सेवा ज़रूरी है। देखिए, क्रिटिकल कोई भी पेशेंट है तो सबके लिए आवश्यक पड़ जाती है। जो भी देखिए बीमारियां, किसी को जॉन्डिस हो गया, पीलिया, 20 साल का लड़का है जी, और उसको सांस की तकलीफ हो रही है, पेशाब नहीं आ रहा, पेट फूल गया है। कोई मरीज, किसी को सीवियर किडनी इन्फेक्शन हो गया है, सांस की तकलीफ अक्सर लोगों को हो जाती है और वो ICU में एडमिट होते हैं। जैसे अभी कोविड आया था जी, तो कोविड में सबसे ज्यादा परेशानी थी कि सांस की तकलीफ हो रही। तो जो पेशेंट रूटीन वार्ड्स में नहीं कंट्रोल होते हैं उनको ICU की रिक्वायरमेंट पड़ती है। मैम, बीइंग इट ऑफ एनी ब्रांच, वो चाहे मेडिसिन के हों, चाहे सर्जरी के हों, चाहे ऑर्थो के हों, चाहे न्यूरो के हों, तो जिस भी डिपार्टमेंट में जो क्रिटिकलिटी रूटीन में सेटल नहीं होती है उन सब के लिए पेशेंट्स को ICU की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो यानी कि जी, जो फिजिशियन होते हैं वो ICU या जो CCU होता है उसके अंदर ही होते हैं। हाँ, उसके अंदर ही होते हैं, रूटीन में वो सारे क्रिटिकल देखते हैं। देखिए, CCU तो कार्डियक केयर की यूनिट हो गई, वो एक और स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, क्योंकि कार्डियक के पेशेंट रूटीन में कार्डियक सर्जरी हुई, कार्डियक हुई और जनरलाइज। अब तो ICU में बाइफर्केशन और हो गया है, मेडिसिनल ICU होते हैं, सर्जिकल ICU होते हैं, पीडियाट्रिक्स में NICU होते हैं। तो दीज आर ऑल इंटेंसिव केयर यूनिट्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस। डॉक्टर साहब, एक जो फिजिशियन होता है क्रिटिकल केयर का, उसकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से वो काम करता है और कितने लोग उसके अंडर जो हैं वो रहकर काम करते हैं, किस तरह की सेवाएं वो देते हैं। वन इज टू वन पेशेंट रेशियो होता है जो पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है, जो नर्सिंग स्टाफ होते हैं, और अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे नहीं है तो 2:1 का रेशियो होता है। एक बहुत ही चैलेंजिंग ब्रांच है मैम, बहुत डिवोशन की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि पेशेंट के मार्जिन ऑफ एरर नहीं होता हमारे पास, और रिकवरी के लिए जो भी पेशेंट आता है तो वो 20-30% रूटीन में हम ये मान के चलते हैं कि वो आए कि उनके पास लाइफ के चांसेस इतने ही होते हैं अक्सर जो मरीज आते हैं जी। हम लोग इस पे वर्कअप करते हैं और 50-60% रिजल्ट देने की कोशिश करते हैं। सारी चीजें करने के बाद भी देयर आर लॉट ऑफ पेशेंट, एटलीस्ट 20-30 पेशेंट जो कि सरवाइव नहीं करते हैं। लेकिन अगर ICU मिलने के बाद वो जो 70% का लॉट है वो बचता है, रिकवर होता है, ड्यूरेशन भी लगता है और डिवोशन भी लगता है, बट दे रिकवर जी। तो एक पेशेंट के नॉर्मल होने के बाद में, जैसे अगर कोई किसी पेशेंट को गंभीर अवस्था के अंदर लाया जाता है ICU के अंदर और फिर उसकी कंडीशन नॉर्मल हो जाती है, तो क्या वहां तक समझा जाए कि काम खत्म हो जाता है जो फिजिशियन होते हैं, या उसके बाद भी उनकी देखरेख में पेशेंट को रखा जाता है। नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। बहुत स्टडीज की गई, हम लोग 28 डेज पोस्ट डिस्चार्ज हम लोग इसको मॉनिटर करते हैं, क्योंकि वो भी एक वाइटल एरिया होता है, क्योंकि ये जब पेशेंट ICU में हाई कैटाबॉलिक स्टेट होता है तो पेशेंट के री एडमिट, री इन्फेक्शन के चांसेस बहुत होते हैं। तो इनको न्यूट्रिशनल अपलिफ्टमेंट, रेगुलर फॉलोअप्स,
ये सब चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आईसीयू से वार्ड, वार्ड से डिस्चार्ज, फिर रेगुलर फॉलो अप करते हैं। अगर करीबन एक डेढ़ महीना निकल जाता है उनका तो काफी लोगों की रिकवरी हो जाती है, बट फॉर 28 डेज उनको चीजें क्रिटिकल रहती हैं, क्योंकि जो बॉडी का लॉस हुआ उसको रिकवरी में भी बहुत समय लगता है। जी, तो इस बीच किन किन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा ध्यान जो है दिया जाता है, पेशेंट को किस तरह की दिक्कत हो रही है, किस तरह से इन सब चीजों को मॉनिटर करते हैं? न्यूट्रिशनल पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बॉडी का बहुत लॉस होता है, मसल मास भी लॉस होता है हाई कैटाबॉलिक स्टेट की वजह से, पेशेंट का प्रोन होता है सेप्सिस के लिए। दूसरा, हम लोग पेशेंट को फैमिली के साथ इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, उसकी केयर, फिजियोथेरेपीज होती हैं, तो न्यूट्रिशनल पार्ट हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, एंटीबायोटिक रेजीम हो गई, और इसके साथ बेड रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है विद रेगुलर फॉलोअप्स। किन किन हालात में जो है बेहद कह सकते हैं कि जरूरी हो जाता है किसी क्रिटिकल केयर फिजिशियन का होना, किस तरह के रोगियों की मदद जो है इस तरह के फिजिशियंस के द्वारा की जाती है? आप खुद एक फिजिशियन है, तो कब कब आपके लिए रहा कि बहुत चैलेंजिंग जॉब रही, और किस किस प्रकार के मरीजों को डील करना पड़ता है? मैम, जैसे डेंगू का सीजन आता है, 20 ईयर्स का एक 20 साल का लड़का है जो 4 दिन पहले तक बिल्कुल ठीक था जी, और वो डेंगू शॉक सिंड्रोम में चला गया है, मतलब उसको पल्स भी नहीं मिल रही है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, प्लेटलेट काउंट 5,000 रह गए हैं, सब जगह से ब्लीड कर रहा है, तो ये पेशेंट्स चैलेंजिंग होते हैं मैम, क्योंकि उनको पूरी लाइफ अपनी बतानी है। इन पेशेंट्स को बचाना, कोई यंग लड़का है जिसको निमोनिया हुआ, मतलब जो भी 20 से 40 साल के बीच में, क्योंकि उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, बहुत लोग डिपेंडेंट हैं एंड दे हैव टू डू ऑल देयर लॉब, ठीक है, तो ओल्ड एज पेरेंट्स है उनका, वही है, तो इन सब पेशेंट्स को बचाना एक बहुत चैलेंज है। इन पे बहुत कोशिश की जाती है, बचते भी हैं, बट दे टेक लॉट ऑफ एफर्ट्स मैम। ये जो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है, इस स्थिति में किस तरह से जो है आप लोग काम करते हैं, और सबसे पहले किस चीज को नॉर्मल लाने पर जोर रहता है? देखिए, मल्टी ऑर्गन फेलियर का मतलब हो गया जब आपके बॉडी में दो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो गए, दो से ज्यादा ऑर्गन इन्वॉल्व। मोस्टली से कोई पेशेंट सांस की तकलीफ लेकर आया है, लेकिन उसको ARF भी हो गया, एक्यूट रिनल फेलियर, किडनी फेलियर है, लिवर में सूजन आ गई है, SGOT SGPT सब बढ़ गए हैं, तो आपका लंग इन्वॉल्व हो गया, किडनी इन्वॉल्व हो गया और लिवर इन्वॉल्व हो गया। बॉडी के 5 वाइटल ऑर्गन्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्रेन, हार्ट, लिवर, किडनी, और इनफैक्ट आते हैं जहाँ पे खाना बचता है हमारा, क्योंकि जैसे आदमी बीमार पड़ता है उसकी डाइट डिक्रीज हो जाती है, वॉमिटिंग चालू हो जाती है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो उनका TLC काउंट है, जो इन्फेक्शन है, उसके और मार्कर्स हैं, वो धीरे धीरे डिक्रीज हो, पेशेंट के फीवर कम हो जाए, यूरिन आउटपुट अच्छा हो जाए, लिवर की सूजन कम हो जाए, तो धीरे धीरे पेशेंट ओरल एक्सेप्ट करना लगे, एंटीबायोटिक्स डीएस्केलेट हो जाए हमारी, और ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट धीरे धीरे समय के कम हो जाए, जो पेशेंट वेंटिलेटर पे है वो वेंटिलेटर से बाहर आ जाए, जो डायलिसिस पे है उसको डायलिसिस से बाहर आ जाए, ये हमारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं जिसके हम पैरामीटर्स पे काम करते हैं। उसके लिए कुछ स्कोरिंग्स भी होती हैं, सोफा स्कोरिंग है, अपाचे स्कोरिंग है, इन स्कोरिंग्स पे हम काम करते हैं, धीरे धीरे स्कोरिंग्स नॉर्मल की तरफ आती हैं, तो जैसे जैसे स्कोरिंग्स नॉर्मल की तरफ आती हैं हम पेशेंट के रिकवरी के लिए बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जैसे अभी एक दर्शक हमारे साथ जुड़े थे जिन्होंने बताया था कि कई साल पहले उनकी बेटी को एक समस्या हुई थी, लेकिन आज तक जो है वो बनी हुई है, तो क्या इस तरह के केसेस में भी जो क्रिटिकल केयर फिजिशियन है उनका रोल होता है या वो अदा कर सकते हैं इस तरह के केसेस को सॉल्व करने में? नहीं मैम, ये क्रिटिकल केयर फिजिशियन का काम नहीं है मैम, ये बेसिकली क्रॉनिक डिजीज हो गई। जैसे कोई डायबिटीज का बहुत लॉन्ग टर्म पेशेंट है तो वो ओरल टेबलेट्स पे ठीक चल रहा होता है जी, उसी तरीके से जो हड्डी का लॉन्ग टर्म रोगी है उसके लिए उनको जैसे बहुत लंबा समय बिता लिया उन्होंने, अगर वो बीच बीच में फॉलो अप करते, इंटरवेंशन करते, फिजियोथेरेपीज कराते तो ये नौबत नहीं आती। अब इसमें या तो सर्जरीज होंगी और या इसी तरीके से लॉन्ग टर्म फिजियोथेरेपी से रिजॉल्व कर जाएगा। तो जब आप इस तरह के पेशेंट्स के साथ डील करते हैं, हर तरह के पेशेंट भी आते होंगे कि सर्जरी के बाद किसी की अगर हालत बिगड़ गई है या फिर कोई एक्सीडेंट का केस भी आ गया है तुरंत, तो उसके साथ भी आपको काम करना पड़ता है, तो दोनों में कितना अंतर हो जाता है दोनों तरह के केसेस में डील करने में? मैम, सबके प्रोटोकॉल्स फिक्स हैं,
जैसे ATLS गाइडलाइंस हैं, ACLS गाइडलाइंस हैं, सर्जिकल के लिए अलग गाइडलाइन है, उसमें SSRIs हैं, तो इन सबको प्रिवेंट करने के लिए अलग अलग हैं। तो सब जो भी पेशेंट आता है उसको उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट पे लेते हैं, क्योंकि जो ट्रॉमा का पेशेंट आया उसके पहले 3 घंटे में उसको सब चीज सेटल करना है, ब्लड की रिक्वायरमेंट है। सर्जिकल पेशेंट सर्जरी हो गई है, अब उसको पोस्ट सर्जिकल केयर देनी है, तो उसमें भी रिसोर्सेज लगने हैं। तो हर बीमारी और हर बीमारी का ट्रीटमेंट अलग है, और एक ही बीमारी अलग अलग मरीजों में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो दिस इज मेडिकल फील्ड, किसी एक चीज को फिक्स नहीं कर सकते हैं, थंब रूल नहीं होता है, बट ये कि प्रोटोकोलाइज ट्रीटमेंट से लगभग 70-80% रिजल्ट अच्छे आ जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स के सहारे ही आप मरीज को नॉर्मल करने की कोशिश में रहते हैं, या फिर जो दवा संबंधी चीज़ें हैं उनको भी आप सजेस्ट करते हैं, डायग्नोसिस सिस्टम भी आपके उसमें आता है? मैम, इन्वेस्टिगेशंस, हमको सपोर्टिव इंस्ट्रूमेंट्स, वर्क स्टेशंस हैं हमारे, वेंटिलेटर्स हैं, इन्फ्यूजन पम्प्स हैं, मॉनिटरिंग सिस्टम है हमारा, इन सब चीज़ों की वजह से ट्रीटमेंट बहुत बेटर हो गया मैम। पहले हम सिर्फ क्लिनिकल बेसिस पे चलते थे जी। अब हम इन्वेस्टिगेशन बेसिस पे चलते हैं, इन्वेस्टिगेशन से हमारी डायग्नोसिस बनती है, और जो भी सपोर्टिव एंड हमें लगता है मॉनिटरिंग के लिए, तो उससे क्या है कि हम एक प्रिसाइज चीज़ों पे काम करते हैं। जैसे हमने पता कि अपाचे स्कोरिंग है, सुपर स्कोरिंग है, तो ये स्कोरिंग पे फिट होते हैं, तो हमको ये मालूम पड़ता है कि कल से आज में क्या फर्क पड़ा है, मरीज कितना रिकवर किया है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदित्य त्रिपाठी जी हमारे साथ इस तमाम बातचीत में जुड़ने के लिए, और हमारे साथ जो दर्शक जुड़े उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तो आपका डॉक्टर में फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।